हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और सबसे पहले तो भाई साहब, आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के न्यूज़पेपर में आप सबने एक खबर देखी होगी, मैं उसकी कटिंग आपको दिखा देता हूँ। आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आई है कि आयोग तैयारी कर रहा है सुपर टेट के लगभग 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकालने की। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार का जो गठन है वो 22 तारीख तक शपथ ग्रहण हो जाएगा। 21 को या 22 को 100% डेफिनेटली जो है शपथ ग्रहण जो है योगी सरकार का हो जाएगा। उसके बाद सीधे बात होगी भर्ती की। विभाग भर्ती के लिए जो डिपार्टमेंट है, देखिए ये मत सोचिएगा कि ये खबर कोचिंग वाले ने करवाते हैं। कोई भी जो खबर होती है वो जब तक न्यूज़पेपर वाले विभाग से बातचीत नहीं कर लेते तब तक वो न्यूज़ में नहीं आती, यानी संबंधित विभाग से इसकी सूचना ली जाती है। और कोचिंग वाले पैसा दे करके पेपर में निकलवा देंगे, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो बड़ी संकीर्ण मानसिकता है। जो रिपोर्टर होते हैं उन पर थोड़ा सा विश्वास करिए कि वो डिपार्टमेंट जाते हैं, उसके बारे में सूचना एकत्र करते हैं, और जो विभागीय अधिकारी होते हैं उनकी जो राय होती है उस पर कोई खबर निकाली जाती है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है मित्रों कि 17,000 पद तो प्रस्तावित थे ही, चुनाव के पहले ही थे, वो तो कंफर्म है। लेकिन अब जो तैयारी है एक नए सिरे से, डिपार्टमेंट ये देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की कितनी ज़रूरत है, और उसी हिसाब से जो भर्ती है, क्योंकि 17,000 भर्ती के मामले में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा है, चाहे वो डिजिटली हो या सोशली हो, सरकार को इस चीज़ की जानकारी भी है, ऐसा नहीं है। तो जो खबर है मैं उस पर बात करूंगा, आज की न्यूज़पेपर की जो खबर है कि जो तैयारी चल रही है सुपर टेट की। आप सब में से जो लोग गंभीर नहीं है ये सूचना देखिए, जो नॉन सीरियस लोग हैं उनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपनी तैयारी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए एकदम से गंभीर है, उनको इस खबर से फर्क पड़ता है। और उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस वैकेंसी की, इतने पदों पर वैकेंसी की, आखिर 50,000 से अधिक पद। मुझे देखिए, जो मेरा अनुमान है वो यही कि 51,112 पद पहले खाली बताए गए थे और 17,000 इसमें से बच रहे हैं। इसी के बीच का रास्ता निकलेगा अगली भर्ती का, ये डेफिनेटली श्योर है। केवल 17,000 पदों पर विज्ञापन निकालना, ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि बचे हुए पदों पर विज्ञापन निकालेंगे। तो बचे हुए पद वो 1,37,000 के 17,000 बचे हुए पद थे। लेकिन अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में कितने बचे हुए पद हैं, कितने रिक्त पद हैं, क्या इन 2-3 सालों में कोई रिटायर नहीं हुआ होगा, इस बात हुए होंगे, पद खाली हुए होंगे विद्यालय में, तो उन सारे पदों को जोड़ने की अगर हम बात करें, जुड़ करके जब वो भर्ती आएगी तो वो भर्ती 50,000 के प्लस चली जाएगी। और एकदम आप मान के चलिए कि जो अगला सुपर टेट है वो जल्दी आएगा एंड मोर देन 50,000 वैकेंसीज के पद भरे जाएंगे। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं। अब आप इसे चाहे जुमला समझ लें, चाहे फेक न्यूज़ समझ लें, ये आपकी मेंटालिटी है। लेकिन अगर आप इसे समझ लें कि नहीं, अगली वैकेंसी आ रही, इसमें आपको लेनी है नौकरी, तो ये मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। किसी भी चीज़ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम भरोसा करें, क्योंकि आप स्वयं सोचिए भर्ती कब हुई थी, 2018 में आया था नोटिफिकेशन, 2019-20 चला है ना, 2021 में ज्वाइनिंग मिली थी, समझ गए, पूरा लॉकडाउन और वो सब बीत गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जब 60-65 का ऑर्डर आया तो 2021 में लोगों को ज्वाइनिंग मिली, मतलब फरवरी वगैरह में। अब सोचिए कि 2018 की वैकेंसी थी, 69,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन, सन 2018 में फॉर्म भरा गया था, 19 में 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था उसका, उसके बाद से तो कोई सुपरटेट हुआ नहीं। तो अब की जो सुपरटेट होगा, 3 साल, लगभग चौथा साल चल रहा है, जोरदार पदों पर होना चाहिए, ये तो भाई लाजमी है, 3-4 साल उसको वैकेंसी प्राइमरी में नहीं हुई है, तो इसीलिए सारे अधिकारी भी होपफुल हैं और बच्चों को भी होपफुल हो जाना चाहिए। ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप सबकी राय आमंत्रित है। व्हाट्सएप नंबर ये नीचे दिया हुआ है, सुपर डेट की तैयारी के लिए या हार्ड कॉपी नोट्स के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नाम और जिले के नाम के साथ पूरा बैच मिलेगा।